आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से साम्य अवस्था के लिए गलत कथन कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साम्य अवस्था होता क्या है। साम्य अवस्था तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर लिखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया अगर ए से बी बन रहा है तो बी से ए भी बनेगा, यानी कि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकता है, ए से बी और बी से ए। तो देखिए, ए से बी के लिए हम कह सकते हैं कि ए से बी के लिए वेग स्थिरांक, ये आगे की तरफ जा रहा है ना अग्रिम, तो केएफ है, केएफ अग्रिम अभिक्रिया, जब आगे की ओर जाएगा तो इसका वेग स्थिरांक केएफ और पीछे की तरफ जाएगा तो केबी। तो देखिए, हमारे पास दो अभिक्रिया है, एक अग्रिम अभिक्रिया है और एक पार्श्व अभिक्रिया है। एक है अग्रिम अभिक्रिया और दूसरा है पार्श्व अभिक्रिया। तो दो अभिक्रिया देख रहे हैं। अग्रिम अभिक्रिया का मतलब ए से बी बन रहा है, ए से बी, इसका नियतांक आएगा केएफ। और पार्श्व अभिक्रिया है, जो कि पार्श्व अभिक्रिया का मतलब होता है कि बी से ए बनेगा, यानी अभिकारक हमारा इस बार बी कहलाएगा और उत्पाद ए कहलाएगा, और इसके लिए केबी है वेग स्थिरांक। तो इसका अभिक्रिया का दर लिखते हैं, तो आर एफ का जब दर लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, केएफ, और इसकी अभिकारक की सांद्रता ए आ जाएगा। और पार्श्व अभिक्रिया का जब हम दर लिखेंगे तो आर बी, यहाँ पर के बी और सांद्रता आएगा अभिकारक का बी। तो ये साम्य अवस्था कब होता है, साम्य अवस्था पर अगर देखा जाए तो दोनों का दर बराबर होता है, अग्रिम और पार्श्व अभिक्रिया का दर बराबर हो जाता है, आर एफ इक्वल टू आर बी के बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो के एफ ए का सांद्रता और यहाँ पर के बी इंटू बी का सांद्रता, तो के एफ बटा में के बी को क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक के सी, जो कितना आ जाएगा, उत्पाद का सांद्रता बटा में अभिकारक का सांद्रता। तो साम्य अवस्था के लिए अग्र अभिक्रिया का दर और पार्श्व अभिक्रिया का दर बराबर होता है, तो पहला वाला सही हो गया। और दूसरा बोल रहा है बी में, साम्य अवस्था चलायमान होती है। चलायमान का मतलब कि अगर अभिक्रिया में हम किसी के अभिक्रिया के दौरान हम सांद्रता बढ़ा दे, अगर ए का सांद्रता बढ़ा दे या बी का सांद्रता बढ़ा दे, तो कुछ समय के लिए साम्य अवस्था परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर बाद जाके वो क्या होता है, फिर से मेंटेन हो जाता है, फिर से अपने आप को ये नियतांक कर लेगा, वैल्यू नियतांक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ये क्या होता है, चलायमान होता है, ये बिल्कुल सही बोला गया है। तीसरा बोला गया है, और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो साम्य अवस्था पर जो डेल्टा जी का मान होता है, मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी का मान ये जीरो होता है, मुक्त ऊर्जा का मान जीरो होगा, तो डी वाला कथन सही है। और चौथा है उत्प्रेरक मिलाने से साम्य अवस्था स्थिरांक का मान बढ़ता है, ये गलत है। हम जानते हैं उत्प्रेरक जब मिलाया जाएगा, उत्प्रेरक मिलाने पर केसी का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, केसी यानी कि साम्य अवस्था स्थिरांक क्या रहेगा, समान रहेगा। ये बोला साम्य अवस्था स्थिरांक बढ़ देगा, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।